पीएम मोदी को भगवान के साथ बिठा दे तो उन्हें भी समझा देंगे। अमेरिका दौरे पर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने फ्रांसिको में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत छोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में बात की और भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ी उन्हें ये नियंत्रित कर रहे। इसी के साथ राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानकार हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं, उन्हें भी समझा सकते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बिठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। सही। राहुल ने भारत छोड़ो यात्रा के अनुभव को लोगों के साथ शेयर करते हुए कहा, मैंने जब यात्रा शुरू की थी तो 5-6 दिन बाद महसूस हुआ ये यात्रा आसान नहीं होगी। हजारों किलोमीटर की यात्रा को पैदल तय करना बेहद मुश्किल रहा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बताया, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक रोजाना 25 किलोमीटर की यात्रा तय करते थे। 3 हफ्ते बाद मुझे लगा मैं अब थक नहीं रहा हूँ। मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, क्या वो थकान महसूस करते हैं, लेकिन किसी ने इसका जवाब हाँ में नहीं दिया। उन्होंने कहा, उस यात्रा में केवल कांग्रेस नहीं चल रही थी, बल्कि पूरा भारत कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था।